वेलकम टू माय चैनल एवी रॉक्स टीम्स। लालीगा लीग का मैच हो रहा है बार्सिलोना वर्सेस एथलेटिक बिलबाओ के बीच 10:30 बजे। एंड बात करें, ये है मेरा टेलीग्राम चैनल, लिंक है नीचे डिस्क्रिप्शन में, जाओ फटाफट नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक पर करो क्लिक एंड ज्वाइन हो जाओ। गाइस हम इस वीडियो में किसी भी तरह की चीज़ को प्रोत्साहित नहीं कर रहे, ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा सेफ और नॉलेजेबल है, सो आगे बढ़ते हैं। तो बात करें इस मैच की मेरे भाई, बार्सिलोना और एथलेटिक बिलबाओ में हमको फेवर करना है यहाँ पर सबसे पहले बार्सिलोना को। लेकिन एक इन दोनों टीम्स के बीच एक मैच हुआ था जो 0-0 से ड्रॉ हुआ था, जो लास्ट मैच हुआ था इन दोनों टीम्स के बीच। उससे पहले कई बार एथलेटिक अच्छा खेलती है, कई बार बार्सिलोना खेलती है, लेकिन ये दोनों टीम में ना इनका गेम प्ले ना मतलब बहुत हद तक तो मैं नहीं कहूँगा सिमिलर, क्योंकि बार्सिलोना टीम पे जो प्लेयर है ना वो वर्ल्ड के मतलब बोल सकते हैं जो नामी गामी खिलाड़ी, रॉबर्ट लेवांडोव्स्की, यमल जिसने यूरोप कप जिताया स्पेन को, मतलब ऐसे ऐसे छोटे छोटे ऐसे प्लेयर हैं जो लीजेंड काम कर रहे हैं, ठीक है, लीजेंडरी काम। तो आगे चलते हैं। तो मेरे भाई सबसे पहले हम स्ट्राइकिंग की बात करेंगे। स्ट्राइकिंग में रॉबर्ट लेवांडोव्स्की, इसका तो मैं फ़ैन हूँ भाई, मतलब बहुत पहले से, जब ये बुंडेसलीगा लीग में हुआ करते थे। अब ये स्पेनिश में स्पेन में है तो मतलब मेरे को कोई प्रॉब्लम है ही नहीं रॉबर्ट लेवांडोव्स्की से, बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि ही इज़ अ ग्रेट मैन भाई, क्या प्लेयर है, मतलब ऐसे प्लेयर बनते नहीं है यार। उसके बाद फिर फेरन टॉरेस की अगर बात करें, देखो पिछले मैच में गोल नहीं आया, तो असल में यार मेरे को भी ट्रस्ट नहीं है अभी, मैं भी बहुत दिन से, मैं भी इंटरनेशनल भी देखे हैं मैंने, नहीं आ रहे थे गोल, मेरे को भी पता है आखिरी के 4 महीने कैसे गए हैं फेरन टॉरेस के, और पिछला साल तो बहुत ही तगड़ा था। कई बार होता है यार, कुछ दिन ही ऐसे होते हैं जो बंदा नहीं चलता, जितनी मर्जी कोशिशें कर ले नहीं 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 उसको गोल मिलता। फुटबॉल में भी होता है, ये हर स्पोर्ट्स में प्रॉब्लम होती है, ठीक है। तो अगर फॉर्म वापस आएगी तो रेगुलर अच्छा हो जाएगा, क्योंकि इसका खेलना भी बहुत ज़रूरी है। विक्टर अभी उतना एक्सपीरियंस है नहीं, एंसू फैटी एक्सपीरियंस है लेकिन वो इंजर्ड है, एंकल इंजरी है, तो आपको पता है बचता यही है, खेलना इसी को है। ऑपोजिशन टीम की बात करें, इनाकी विलियम्स को डाल दिया ना स्ट्राइकिंग में, 15 अगस्त को पहले ही बोल दिया था मैंने ये जल्दी जल्दी डाल देंगे, क्योंकि गुरुजेटा को मैं तो लेने से रहा, क्योंकि भाई मैं कुछ नहीं कर सकता, अगर इनाकी विलियम्स मिडफील्डिंग में होता ना तो मैं ज़रूर लेता, लेकिन अभी नहीं, क्योंकि मेरे को ना गुरुजेटा से एक्सपेक्टेशन कम है एज़ कम्पेयर टू इनाकी विलियम्स। और मिडफील्डिंग की बात करें, रैफीना के बाद यमल मेरा फेवरेट प्लेयर है, एक ऐसा यंगस्टर जो 17 साल का एक ये लड़का, जिसने यूरोपियन लीग, चलो मैं यूरोस की अगर बात करूँ तो ऊपर स्पेन इनकी जीती थी, स्पेन के हाईएस्ट गोल्स तो नहीं कहेंगे लेकिन मोस्ट, मतलब जिसको बोलते हैं ना मोस्ट इम्पॉर्टेंट असिस्ट, वो इस बंदे ने जरूर की थी। मैं यमल का फ़ैन हो गया, एक 17 साल के लड़के का, ठीक है। उसके बाद एफ डे जोंग, इसको फुट इंजरी है, ये तो खेलेगा नहीं। उसके बाद गैवी, ये भी नहीं खेलेगा, इसको भी इंजरी है। एम कैसेडो आ सकता है, एम कैसेडो के साथ ही नीचे से किसी अन्य, ये एम बर्नल को भेज सकते हैं, लेकिन आपने जल्दबाजी नहीं करनी, यू डोंट हैव टू टेक एनी प्लेयर, बस आप ध्यान दो कि ऑलमो खेलता ही नहीं, ऑलमो खेलेगा तो उठा लेंगे। आगे बात करें, सेंसेट को लेंगे, प्रीवियस मैच में गोल आया था, एंड निको विलियम्स भाई, जो कि ये भी स्पेन का प्लेयर है, और यमल और ये एक साथ ही खेले थे वो अपना यूरो कप, मैं इसलिए इन दोनों की रिस्पेक्ट करता हूँ, दोनों ने स्ट्राइकिंग की थी। उसके बाद मैं डिफेंडिंग की अगर बात करूँ तो ज्यूल्स को लो, ज्यूल्स के बाद आई मार्टिनेस, थर्ड डिफेंडिंग में बेल्डे है, बट मेरी मजबूरी है लेना, क्योंकि मैं पी कुबारसी को नहीं लेना चाहता, मेरे को उससे अच्छी वाइब्स ही नहीं आती इस बंदे से, मुझे ऐसा लगता है मैं इसे लूँगा अलग ही हरवा देगा मेरे को, इसलिए बेल्डे इज़ गुड। और गोलकीपिंग की बात करें, उनाई सिमन खेला नहीं था लास्ट मैच, बट आज खेलना चाहिए, अब इंटरनेशनल्स ख़त्म हो गए हैं, देखते हैं अब क्या होता है। तो बात करें कप्तान की, कैप्टन है मेरा रॉबर्ट लेवांडोव्स्की, वाइस कैप्टन यमल, यही कॉम्बिनेशन बेस्ट है, बदलो मत, कईयों को लग रहा होगा सिलेक्शन बड़ी ज़्यादा है, भाई कुछ नहीं कर सकते हम इस चीज़ में, क्योंकि ये बेस्टेस्ट कॉम्बिनेशन है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।